हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम नेक्स्ट और न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम जो है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यू नो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, व्हाई वी नीड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, हमें क्यों जरूरत है फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की। बेटा आप सब जानते हो कि डे बाय डे पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होता है और होता जा रहा है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस पॉपुलेशन को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अब फूड के लिए हमें जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो लैंड फिक्स है अर्थ के ऊपर। अगर फिक्स नहीं है तो उस फिक्स को फिक्सेशन करने के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। और जब फॉरेस्ट को कट करेंगे तो ऐसी सिचुएशंस में भी हमारे पास लैंड का अमाउंट नंबर बढ़ेगा, बट दूसरे केस में प्लांट्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, जो हमारे लिए फूड का रिसोर्स का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमें प्लांट्स को कट करना पड़ेगा और लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा फॉर द डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अब ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या चाहिए? अगर मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ जमीन के अंदर पहले जो वीट प्रोड्यूस होता था, मान लीजिए 1 एकड़ के अंदर 10 क्विंटल वीट प्रोड्यूस होता था, ऐसे में हमें उस क्विंटल का अमाउंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। उस क्विंटल का नंबर हमें इंक्रीज करने पड़ेगा फिक्स लैंड के ऊपर। यानी 1 एकड़ जमीन के अंदर ही हम अब 12 क्विंटल्स जो वीट है उसको प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी की, टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी जिसके बेस के ऊपर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फूड रिसोर्सेज के अंदर। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं न्यूट्रिशन का, जो मोड हमारे पास है उस न्यूट्रिशन के मोड के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की जो टाइप है वो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास मोड ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इनकी बात करते हैं तो वो दो टाइप है हमारे पास। ऑटोट्रॉपिक मतलब इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक्स देयर फूड देमसेल्फ। ठीक है, अपने आप ही अपना फूड बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है प्लांट्स, प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स बाय फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का वो हमारे पास है हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक मोड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिजम्स कैनॉट मेक्स देयर फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर सोर्स, अदर सोर्सेज। और इसके केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई प्लांट्स पे वो डिपेंड करते हैं, अदर सोर्सेज की बात एंड एनिमल्स, एनिमल्स के बेस के ऊपर। यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों केसेस से वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे फूड की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। अब इस फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं हम यूज करेंगे, जो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स को बढ़ाने में मदद करेंगे, फूड के रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके बेस के ऊपर हमें फूड की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस है हमारे पास है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको यूज करेंगे। आज का प्रेजेंट टाइम के अंदर इन दोनों टेक्निक्स की यानी सस्टेनेबल से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या ऑर्गेनिक फार्मिंग की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पे है। तो अब हमारे पास है, आज का जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है बेटा? ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों पॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम्स, क्या सिमिलरिटी है, किस तरीके से ये हमारे पास प्रेजेंट है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अडॉप्शन ऑफ द वेरियस टेक्निक्स, फार्मिंग टेक्निक्स विच प्रोड्यूस, फार्मिंग और प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चरल यील्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं, हम इसमें ये बोल सकते हैं बेटा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर अडॉप्शन ऑफ, हम ये कह सकते हैं अडॉप्शन ऑफ दो टेक्निक विच हेल्प इन टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर विदाउट कॉजिंग एनी हार्मफुल इफेक्ट टू एनवायरमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि विदाउट मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास प्रेजेंट है उन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें प्रॉपर वे में मैनेज करके, ठीक है, मतलब हेयर वी मैनेज द ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रॉपर वे। हम ये भी कह सकते हैं हेयर वी नीड टू मैनेज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रॉपर वेज विदाउट एनी एनवायरमेंटल हार्मफुल कंडीशन इफेक्ट, विदाउट हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हम शो नहीं होने देंगे, उसके बेस के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका मैक्सिमम यूज करना है जो बेनिफिशियल है किसके लिए, किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। अब हमारे पास एग्रीकल्चर यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसके बेस के ऊपर कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास, कि क्या एप्लीकेशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एडवांटेज ऑफ, हम ये कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस है उसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है बेटा? इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के, एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड देयर कंट्रोल। वी अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला क्या है, अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल।
ठीक है, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स, यानी जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के नाम से बोल सकते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन का जो साइक्लिक कंडीशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोटेक्ट एंड रिन्यू द सोइल फर्टिलिटी, प्रोटेक्ट एंड रिन्यू द सोइल फर्टिलिटी। हम इसके बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को रिन्यू कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के बेस के ऊपर, प्रोटेक्ट एंड रिन्यू द सोइल फर्टिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके बेस के ऊपर सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिन्यू भी कर सकते हैं और इंप्रूव भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज, हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हम उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को, एंड आल्सो रिड्यूस द यूज ऑफ, हम और क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है बेटा उसका, उसके यूज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, और एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाय विच वी इंप्रूव द इनकम ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर है उनकी इनकम को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या फेस कर सकते, क्या यूज कर सकते हैं हम इसके बेस के ऊपर बेटा, हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, प्रमोट द अपॉर्चुनिटी, हम क्या कर सकते हैं, टू प्रमोट मोट्स द अपॉर्चुनिटी निटी इन एग्रीकल्चर, agricultures and their products, ठीक है, जो उसके जो products हैं उन products के बेस के ऊपर जो opportunity हमें मिलेगी उसको हम improve कर सकते हैं। तो ये सब cases हमारे पास क्या है, ये हमारे पास sustainable agriculture है। उसके बाद ये हमारे पास sustainable agriculture की कुछ importance है जिनको हम advantage के बेस के ऊपर बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, मतलब हमें एक तरीके से वो फार्मिंग प्रैक्टिस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। हम यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम बताते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ए फार्मिंग प्रैक्टिस, ए फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच वी इंप्रूव द एग्रीकल्चरल मेथड विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ
केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या है भाई, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स भाई, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा, जो केमिकल सब्सटेंस हम यूज करते थे, ठीक है ना, उन केमिकल सब्सटेंस को हमने रिड्यूस कर देना है, ओपनली स्टॉप कर देना है। तो हमें फार्मिंग की वो प्रैक्टिस फॉलो करनी है जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के मेथड्स जो है, एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। किसके बेस के ऊपर, वो जिसके केस में विदाउट यूजिंग, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहां है मेथड्स विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, जो भी केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना, उन सब्सटेंस को यूज किए बगैर, जिसमें हमारे पास क्या क्या है भाई, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या किसी भी टाइप का कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसका यूज किए बगैर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इन दिस मेथड्स वी यूज द ऑल बायो पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, इन दिस मेथड, दिस मेथड वी यूज द बायो केमिकल्स फॉर इंप्रूवमेंट फार्मिंग, इंप्रूवमेंट इन फार्मिंग, फार्मिंग को इंप्रूव करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना है, बायोकेमिकल्स का यूज करना है। और बायोटेक्निक्स जो है हमारे पास, जैसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल से हम बायो पेस्टिसाइड्स का यूज कर, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, यूज द बायो फर्टिलाइजर टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ ए सोइल, सोइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, हम सोइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। और बायो फर्टिलाइजर हम किसी भी डिफरेंट टाइप्स के, मतलब ऑर्गेनिज्म की सहायता से, या नॉर्मली हम गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, उन सब का यूज हम कर सकते हैं सोयल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। अब हमारे पास है एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसका क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज में हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है, हम एडवांटेजेस लिखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी क्या एडवांटेजेस है बेटा। सबसे पहली एडवांटेजेस है टू रिड्यूस द, इट प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, इट प्रिवेंट्स पोल्यूशन, सबसे पहला तो क्या है, इट पोल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट इन आवर एनवायरमेंट, यानी हमारे एनवायरमेंट के अंदर किसी भी सब्सटेंस से जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को हम खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फार्म वेस्ट आर रिसाइकल्ड, सेकेंड कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, फार्म वेस्ट इज आर रिसाइकल्ड, फार्म्स के जो वेस्ट है बेटा उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो फोडर्स क्रॉप्स रिमेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, हमको हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फूड ऑब्टेन होता है, द फूड ऑब्टेंडेड फ्रॉम इट, द
फूड ऑब्टेंडेड फ्रॉम ए ऑर्गेनिक फार्मिंग द फूड ऑब्टेंडेड फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर हार्मफुल केमिकल्स के कंपैरिजन में उस फूड के अंदर हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब विदाउट हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होता है जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग्स इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी, या आप ये कह सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प इन टू मेंटेन हेल्थ ऑफ सोयल, सोयल की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है ना, हेल्प इनटू टू मेंटेन द सोयल, ठीक है, सोयल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। यहां पर क्या करती है, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशंस की बात करती है। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग्स में विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स हमें फूड ऑब्टेन होता है। ठीक है ना, विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स। इसके साथ साथ और भी केसेस हैं हमारे पास। द क्रॉपिंग सिस्टम जो है ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप इंसेक्ट पेस्ट और वीड्स अंडर चेक। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग चेक द इंसेक्ट एंड वीड्स विच हार्म द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को हार्म करती हैं बेटा, उन सभी स्पीसीज को चेक किया जाता है, मतलब उनके नंबर्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बेटा, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स या किसी भी हर्बिसाइड्स को, बायो हर्बिसाइड्स का यूज करके हमें पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन ए क्रॉप। तो एग्रीकल्चर की वो प्रैक्टिस है जिसके बेस के ऊपर हमें क्रॉप की वैरायटी के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारे पास अभी हमने दिया है बेटा, उस लेक्चर में हमने सिर्फ दो ही कंडीशन पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जिसके बेस के ऊपर ऐसी टूल और टेक्निक्स का यूज करना है जिसमें हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं और विदाउट कॉजिंग एनी टाइप ऑफ द हार्म टू एनवायरमेंट। ठीक है, जिसके बेस के ऊपर हमें उसके एडवांटेज बहुत सारी हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में भी हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है क्रॉप प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी हार्मफुल केमिकल्स। किसी हार्मफुल केमिकल्स को हमने यहाँ से रिलीज कर देना है, हटा देना है इस पार्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर से। उसके बेस के ऊपर हमें बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी हमारे पास टेक्निक्स है उन टेक्निक्स का यूज करना है जिसके बेस के ऊपर हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को तैयार करें। आपकी यूटी की जो डेटेड अनाउंस हो चुकी है, डेट्स अनाउंस हो चुकी है, उसमें हमारे पास जो यूटी में चैप्टर आएगा बेटा, सेकंड चैप्टर थीसू, उसके बेस के ऊपर हम टेस्ट लेंगे। तो आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।